नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय कैबिनेट में बिहार के दो नए नेताओं को मिली मंत्री पद की अहम जिम्मेदारी। बिहार के 13 जिलों में ताजा आंकड़ों में नहीं मिले एक भी कोरोना के मरीज। बिहार में मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन है शुरू। अब साइबर अपराधी की शिकायत के लिए लोगों को नहीं पड़ेगा भटकना। रेलखंड में पानी के दबाव से बदल गया पूर्व मध्य रेलवे के 4 ट्रेनों का परिचालन मार्ग। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन है शुरू। एक बार फिर से राज्य के मुखिया नीतीश कुमार बिहार वासियों के शिकवा शिकायत को सुनने और दूर करने के लिए हाजिर होने वाले हैं और उनका कार्यक्रम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का आगाज 12 जुलाई से होने वाला है। यह कार्यक्रम हर महीने पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में होगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। आप JKDMM मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी समस्या का शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं, जिसे इसके वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी देना होगा। इस ऐप पर आवेदन जमा करने पर आवेदक को एक यूनिक संख्या उनके मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल पर मिलेंगे, जिसके माध्यम से शिकायत की अपडेट स्थिति मोबाइल ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आवेदक को जनता के दरबार में शामिल होने की पूरी जानकारी उसके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। मोबाइल की सुविधा नहीं होने पर अपने प्रखंड के BDO या फिर SDO या DM कार्यालय जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिहार में CTET और BTET प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा QR कोड के जरिए। बिहार में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग जारी है, लेकिन इस बार किसी तरह की गड़बड़ी ना पाई जाए इसके लिए शिक्षा विभाग प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन करवाएगा। यानी कि शिक्षक के BTET या CTET की डिग्री की जाँच QR कोड के जरिए की जाएगी। इस बार मैनुअल तरीके से किसी शिक्षा के दस्तावेज का सत्यापन नहीं होगा, ऐसे में गड़बड़ी का सवाल नहीं उठेगा और वैध शिक्षकों को ही नौकरी मिल पाएगी। बताते चले कि शिक्षा विभाग को एक महीने के भीतर 90,700 से ज्यादा अभ्यर्थियों के 4-4 दस्तावेजों का सत्यापन कराना है। पहली बार विभाग ने इस चीज की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली है और ऑनलाइन प्रक्रिया से यह काम भी पहली बार हो रहा है। ऐसे में नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और जल्द भी पूरा हो जाएगा। पीड़ितों को राहत पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। बिहार में जैसे जैसे जुलाई महीना बीतता जा रहा है, वैसे वैसे ही बाढ़ का खतरा सर पर मंडराता दिख रहा है, क्योंकि अभी से 3 महीने बाढ़ के लिहाज से हर साल ही बिहार पर भारी पड़ते हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 2 दिनों से लगातार हवाई सर्वे भी कर रहे हैं, जिसके बाद बीते दिन बुधवार को पटना लौट कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बाढ़ प्रभावित जिलों को DM को जरूरी निर्देश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस क्रम में दरभंगा जिले के हायाघाट, बहादुरपुर, हनुमान नगर, घनश्यामपुर, मधुबनी जिले के मधवापुर, खजौली, फुलपरास एवं घोगरा डीहा तथा समस्तीपुर जिले के विधान, सिंधिया, बड़ियाही एवं कल्याणपुर का जायजा लिया, जहां जल्द से जल्द लोगों का सही आकलन कर उन्हें तुरंत राहत पहुंचाने का निर्देश DM को दिया गया है। साथ ही DM को भी हवाई सर्वेक्षण करके राहत पहुंचाने का आदेश देते हुए कहा कि हम सभी को लोगों की सहायता व सुरक्षा के लिए पूरी तत्परता के साथ काम करना है। साइबर अपराधी की शिकायत के लिए लोगों को नहीं पड़ेगा भटकना। राज्य में साइबर क्राइम यानी कि सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों की शिकायत करने के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्य पुलिस मुख्यालय इस मामले की फीडबैक लेने के बाद इसकी जिम्मेदारियां तय कर दी है। अब ऐसे शिकायत को बिना आनाकानी के दर्ज कर FIR कर लिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी जिले के SSP और SP की होगी। इन्हें ख्याल रखना होगा कि आम लोगों को FIR दर्ज करवाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए DGP SK सिंघल ने निर्देश जारी किया है। साथ ही हर क्राइम मीटिंग में साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट के काम की अलग से समीक्षा भी की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई को भी भेजने का निर्देश दिया गया है। बताते चले कि बिहार में साइबर क्राइम की घटनाओं पर रोक और कांडों के अनुसंधान में मदद के लिए राज्य भर में 74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है। इसके प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक के अफसर होते हैं। केंद्रीय कैबिनेट में बिहार के 2 नए नेताओं को मिली मंत्री पद की अहम जिम्मेदारी। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में बिहार के नेता भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इस बार 2 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिनके नाम से बिहार में राजनीतिक सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। इसमें से एक अहम नाम चिराग पासवान के चाचा और लोजपा के पारस गुट के संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस का है, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बनाया गया है। दूसरा नाम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह का है, जिन्हें इस्पात मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पहले से मंत्री रहे नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, आरा से सांसद RK सिंह को विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री और अश्विनी कुमार चौबे को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के साथ ही पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पशुपति पारस ने भाई और भतीजे को लेकर दिया बयान। कैबिनेट मंत्रिमंडल में बिहार के लोजपा पारस गुट के संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस ने बीते दिन केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग
विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इस दौरान शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई व लोजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान को नमन किया और उन्हें अपना भगवान बताया। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि वे अपने बड़े भाई को भगवान की तरह समझते थे और वो आज भी मानते हैं। साथ ही पीएम मोदी को भी आभार जताते हुए उन्होंने निष्ठा ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कही। वहीं इस दौरान जब उनके भतीजे चिराग पासवान के साथ रिश्ते को लेकर पूछे जाने पर वे बसते हुए नजर आए। इस बारे में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के साथ उनका रिश्ता जो पहले था वह अब ये हो गया है। बिहार कांग्रेस के विधायकों को राहुल गांधी ने मिशन 2024 के लिए दिया टास्क। बिहार में कांग्रेस की कमजोर स्थिति को लेकर कांग्रेस हाईकमान अभी से ही काम करना चाहती है ताकि मिशन 2024 तक कांग्रेस की गहरी पैठ बिहार की सरजमी पर स्थापित हो सके। इसे लेकर बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत की, साथ ही 8 महीने का एक टास्क बिहार कांग्रेस के सीनियर नेताओं और विधायकों को दिया गया है जिसके तहत उन्हें संगठन को मजबूत बनाने का काम दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि वह हर 3 महीने पर इसकी समीक्षा भी करेंगे और इसके लिए पार्टी के वरीय नेताओं को दिल्ली बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार का कोई भी समाज कांग्रेस में खुद को उपेक्षित ना समझे, इस हिसाब से रणनीति तय करनी होगी। बिहार के 13 जिलों में ताजा आंकड़ों में नहीं मिले एक भी कोरोना के मरीज। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे बैकफुट पर जारी है। ताजा आंकड़े आए हैं जिसके मुताबिक बीते दिन के बीते 24 घंटे में राज्य के 13 जिलों में एक भी कोरोना के नए मरीज नहीं मिले हैं, जबकि 125,115 सैंपलों की जांच इस दौरान हुई है जिसमें राज्य भर से 104 नए संक्रमित ही मिले हैं। संक्रमण की दर भी घटकर 0.08% हो गई है। बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान आंकड़े में सबसे ज्यादा समस्तीपुर से 13 नए मरीज मिले हैं, वहीं अररिया में 12, पटना में 11 और किशनगंज में 10 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान औरंगाबाद, बांका, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, नवादा, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण जिले में एक भी नए कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। भारी बारिश और वज्रपात का तात्कालिक अलर्ट हुआ जारी। बिहार में अभी भी मानसून सक्रिय है और अधिकांश हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक आज कई हिस्सों में आकाशीय बिजली के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया, मधुबनी के लिए तात्कालिक अलर्ट जारी किया है। इन जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है, साथ ही लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बारिश के साथ ही गर्मी का दौर भी जारी है। बीते दिन बुधवार को औरंगाबाद में सबसे अधिक तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रेलखंड में पानी के दबाव से बदल गया पूर्व मध्य रेलवे के 4 ट्रेनों का परिचालन मार्ग। पूर्व मध्य रेलवे जोन में आने वाले सुगौली मझौलिया रेलखंड के बीच रेल पुल पर पानी का दबाव बढ़ जाने के कारण आज भी 4 ट्रेनों के परिचालन को बदले हुए मार्ग से किया जाएगा। इसके तहत 05273 रक्सौल आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन रक्सौल सिकटा नरकटियागंज के रास्ते और बरौनी से खुलने वाली 09040 बरौनी बांद्रा टर्मिनल स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर छपरा गोरखपुर के रास्ते चलेगी, जबकि नरकटियागंज से खुलने वाली 05216 नरकटियागंज मुजफ्फरपुर स्पेशल, 05210 नरकटियागंज रक्सौल स्पेशल, 05215 मुजफ्फरपुर नरकटियागंज स्पेशल और 05209 रक्सौल नरकटियागंज स्पेशल ट्रेन रद्द रहेंगी। इसके अलावा आज पाटलिपुत्र से खुलने वाली 05201 पाटलिपुत्र नरकटियागंज स्पेशल ट्रेन का आंशिक समापन मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। सुशील मोदी को मंत्री नहीं बनाए जाने पर तेज प्रताप ने किया मजाकिया तंज। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के नेताओं को जगह दी गई है, मगर कई वरीय नेताओं को इस बार जगह नहीं मिली है, जिसमें से एक नाम पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का भी है। ऐसे में उनके लिए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़े मजाकिया लहजे में तंज कसा है। तेज प्रताप यादव ने सुशील मोदी को कहा कि आपने जो नया कुर्ता पैजामा सिलवा कर रखा था उसे संभाल कर रखिए, तेजस्वी के शपथ में आपके लिए दर्शक दीर्घा में एक कुर्सी रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस ट्वीट में नए मंत्रियों को शुभकामनाएं भी दी। बताते चले कि आए दिनों भाजपा सांसद सुशील मोदी और राजद परिवार के बीच ट्वीट वार देखने को मिलता ही रहता है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान व बीसीसीआई चेयरमैन सौरव गांगुली का आज है जन्मदिन। विदेशों में भारतीय टीम को जीतना सिखाने वाले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने दौर में भारतीय टीम को बल्लेबाजी की जरूरत होती थी तो वे बल्लेबाज बन जाते थे और गेंदबाजी की जरूरत होती थी तो वे गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहते थे। सौरव गांगुली इस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के बॉस हैं और वे हमेशा क्रिकेट से जुड़े रहना पसंद करते हैं। यहां तक कि वे इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में कोचिंग की सेवाएं भी दे चुके हैं और मेंटर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में साल 2003 के विश्व कप में भारतीय टीम ने एक दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। आज
एनसीपीसी ने बताया ललन सिंह को मंत्री न बनाए जाने का कारण। केंद्र में स्टील मंत्री के रूप में नवनियुक्त हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही मीडिया से बातचीत में कई सवालों का जवाब दिया। इससे पहले जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को भी मंत्री बनाए जाने को लेकर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन जदयू से एक ही मंत्री बने हैं। इस पर आरसीपी सिंह ने वजह को साफ किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा स्वयं बहुमत में है, ऐसे में सहयोगी दलों को हिस्सेदारी देना प्रधानमंत्री की उदारता है। उन्होंने कहा कि हर जगह जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते। हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि राष्ट्र और राज्य को मजबूत हो सके, इसलिए उनमें और ललन बाबू में कोई फर्क नहीं है। दोनों साथ हैं और मजबूती से खड़े हैं। अभी और भी समय आगे बढ़ेगी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30,020 पदों के लिए आज हुई काउंसलिंग। राज्य में छठे चरण के नियोजन के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30,020 पदों के लिए शिक्षकों की काउंसलिंग आज हुई, जिसके बाद आज ही नियोजन इकाइयों के द्वारा औपबंधिक मेधा सूची भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी जाएगी। बताते चले कि आज 19 जिलों के 107 प्रखंडों में 1,732 पदों के लिए काउंसलिंग हुई है। 5 जुलाई से ही काउंसलिंग शुरू हुई है, मगर हर दिन बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जा रही है। अभ्यर्थियों से मिली जानकारी मुताबिक छठे चरण के शिक्षक नियोजन में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, मगर पर्याप्त संख्या में महिलाएं उपस्थित नहीं हो रही है और अनरिजर्व्ड पुरुष सीट पर महिलाओं के चयन होने की वजह से एक तरफ जहां पुरुष अभ्यर्थी खाली हाथ लौट रहे हैं और महिलाओं की आरक्षित सीटें भी खाली जा रही है। देश भर में कोरोना के मामले में जारी है उतार चढ़ाव। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,892 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 817 लोगों की जाने गई हैं। इस दौरान कुल 44,291 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 460,704 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 104 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 42 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,182 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.51% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम शुरू होने से आम लोगों की शिकायतें दूर हो पाएंगी या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।